वेलकम टू माय चैनल एफ के टेक और मैं हूं आरिफ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के टिकटॉक के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने वाला हूं, क्योंकि अगर ये सेटिंग आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो आपकी वीडियो वायरल नहीं हो सकता। अगर ये सेटिंग आप लोग करोगे तो इसके बाद आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ज़रूर वायरल हो जाएगी, लेकिन चांस होगा। लेकिन अगर ये सेटिंग आप लोगों ने नहीं किया है तो चांस भी नहीं है कि आपकी वीडियो वायरल हो जाए। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, अगर आप लोगों ने नहीं किया अभी तक तो ये लाजमी करें, क्योंकि इसके बगैर आपकी वीडियो वायरल नहीं हो सकती। तो चले दोस्तों ये सेटिंग आप लोगों को बता देता हूँ और जाते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। लेकिन उससे है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल आरिफ के टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल की बटन भी दबाए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लाजमी पहुंचे, क्योंकि मैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं और आप लोगों को कुछ नया सिखाता रहता हूं। तो चले दोस्तों जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और वहां पर आप लोगों को सारा कुछ समझाता हूं। लेकिन आप लोगों ने वीडियो को जरूर एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को आखिर तक नहीं देखोगे तो आप लोग अच्छी तरह से नहीं समझोगे। फिर आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो कि यार मैं तो यहाँ पर नहीं समझ गया और ये कैसे आपने किया। तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है। और आप लोगों को अगर जो भी प्रॉब्लम हो टिकटॉक में या कुछ एडिटिंग सीखना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आप लोगों को दिखाई देता है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता करो। तो चलो दोस्तों जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो आइए आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर मैं आप लोगों को सेटिंग दिखाता हूँ कि टिकटॉक में कौन से सेटिंग है जिसे ना करने से आपकी वीडियो कभी भी वायरल नहीं हो सकती। तो ये सेटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा सेटिंग है। टिकटॉक में ज्यादा सेटिंग नहीं होता, ज्यादा सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं करना, बस सिर्फ ये सेटिंग जो मैं बता रहा हूँ ये सेटिंग करना, इंशाल्लाह आपकी वीडियो का रिजल्ट अच्छा आएगा। तो चलो दोस्तों सबसे पहले अपने अकाउंट को प्रो करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्विच टू प्रो अकाउंट, तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है ताकि आप लोगों से थोड़ी सी भी गलती ना हो जाए। तो इस तरह के ऊपर लिखा हुआ है क्रिएटर, नीचे लिखा हुआ है बिजनेस। तो आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएटर आप लोगों को दिखाई देता है, इसके नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पर जाना है पब्लिश फिगर, ये ऑप्शन आप लोगों को दिखाई जाता है, तो इसमें आप लोगों ने क्लिक कर देना है, यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आप लोग अगर फीमेल हो तो फीमेल सेलेक्ट कर देना, अगर मेल हो तो मेल को सेलेक्ट कर देना, तो मेल को सेलेक्ट कर देना, डन पर क्लिक करते हैं। तो ये हो गया आपका अकाउंट प्रो। तो आपके पास इस तरह के यहाँ पर आप लोगों को एनालिटिक दिखाई देता है, एनालिटिक जब आ जाता है तो आपका अकाउंट हो गया प्रो। तो ये एक इम्पोर्टेंट सेटिंग था, जो आप लोगों ने अगर ये सेटिंग नहीं किया है तो आप लोगों का वीडियो वायरल नहीं हो सकता। लेकिन कुछ और सेटिंग भी है, तो गाइस आप लोगों को यहाँ पर कॉन्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई देता है ये वाला ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एडेड लैंग्वेज, तो इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि 7 से 8 लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। कौन सी लैंग्वेज आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, आप लोगों ने सबसे पहले इंग्लिश को सेलेक्ट कर देना है। ऊपर डन पर क्लिक कर देना है, दोबारा एडेड लैंग्वेज में जाना है, दोबारा यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों ने नीचे जाना है, यहाँ पर उर्दू को सेलेक्ट कर देना है, डन पर क्लिक कर देना है। और इसी तरह के आप लोगों ने ये दोनों जो है इंग्लिश और उर्दू ये लाजमी है, बाकी जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट करना है उसे तकरीबन 7 से 8 लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। तो ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ओके 6, और यहाँ 7 तो पूरे हो चुका है। इंग्लिश उर्दू लाजमी है, बाकी जो भी आप लोगों ने यहाँ पर सेट कर देना है कर सकते हो। तो ये भी कम्प्लीट हो चुका है ये सेटिंग, तो ये सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर डिजिटल वेलबींग पर जाना है, तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये शुरू, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप लोगों ने एक पासवर्ड देना है, जहाँ पर आप लोगों ने जो भी एक पासवर्ड डालना हो ऐसा पासवर्ड, ताकि आप लोगों से फिर भूल ना हो जाए। तो मैं 55 88 यहाँ पर सेट करता हूँ, तो इसे सेट करता हूँ। यहाँ पर फिर दोबारा डालना है 55 88, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो ये तुम्हारा ये सेटिंग भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसी पे जरूर लाजमी कर देना। तो इस सेटिंग करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर डेटा सेवर आप लोगों को दिखाई देता है, तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अगर ये ऑफ है तो इसे ऑन करें,
ये भी एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है। इससे ऊपर आप लोगों को फ्री स्पेस दिखाई देता है। ये सेटिंग जो है ना, ये हर वीडियो के पहले जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो उससे पहले आप लोगों ने यहाँ पर इसी तरह के क्लियर कर देना है और दूसरा भी इसी तरह के क्लियर कर देना है। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सेटिंग है, इसे लाल भी कर देना। तो ये जो कुछ सेटिंग मैंने बताया, बाकी सेटिंग में कुछ भी नहीं करना। ये सेटिंग जो मैंने बताए हैं टिकटॉक में लाजमी इस सेटिंग को सेट कर देना है। तो दोस्तों ये जो सेटिंग मैंने बताई है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीख ली होगी और मेरे जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना और चैनल को अगर अभी तक भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल की बटन भी दबाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।